मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज डिंपल, आई एम योर मैथ्स टीचर. एज यू नो, वी हैव डन विथ एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, टुडे वी विल डू सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर. सेम डिवाइड करना है आपको, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें करना है. ओके, अब देखिए हम इसमें करेंगे इसको. ये देखिए, फाइंड द क्यूटेंट एंड रिमाइंडर. फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 440 डिवाइडेड बाय 8. 440 को किसे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है. ओके, तो ऐसे लिख देंगे, 8 की टेबल में 44 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है ना. 8 की टेबल में 44 से छोटा क्या आता है? 8 5 जा 40. ओके, तो 8 5 जा 40. 44 में से 40 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4 बचेगा. अब यहाँ से 0, अपन इसको नीचे लेके आएंगे 0 को, ये कितना हो जाएगा? 40. अब 8 की टेबल में 40 आता है ना, कितनी बार में आता है? 5 बार में. 8 5 जा 40, कितने बचे? 0. ओके, तो क्विटेंट हो गया अपना 55 और रिमाइंडर हो गया 0. नेक्स्ट वन इज 316 डिवाइडेड बाय 7. 316 को 7 से डिवाइड करना है. अब 7 के टेबल में 31 नहीं आते ना, तो उससे छोटा क्या आता है? 7 4 जा 28. ओके, अब 31 में से 28 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे. ओके, फिर अपन 6 को नीचे लेके आ जाएंगे. 7 के टेबल में 36 नहीं आते, तो 7 के टेबल में 36 से छोटा क्या आता है? 35. 7 5 जा 35. ओके, 36 में से 35 गए, कितने बचेंगे? 1. और यहाँ पे और कोई भी डिजिट नहीं है, तो अपन को इसको नीचे उतारना, तो ये अपना रिमाइंडर रह जाएगा. ओके, तो अपना क्विटेंट हो गया 45 और रिमाइंडर हो गया 1. ओके, नेक्स्ट है 3456 डिवाइडेड बाय 5. 3456 डिवाइडेड बाय 5. अब 5 के टेबल में 34 नहीं आता, तो 5 के टेबल में 34 से छोटा देखेंगे क्या आता है? 30 आता है. ओके, 5 6 जा 30. 34 में से 30 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4. ओके, अब 4 आ गया अपना. यहाँ से 5 को नीचे उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 45. हमें पता है 5 के टेबल में 45 आता है, कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है. 5 9 जा 45. अब 45 में से 45 माइनस करेंगे, 0 ही बचेगा. 6 को हम नीचे लेके आ जाएंगे. ओके, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 से छोटा क्या आता है? 5 आता है. 5 1 जा 5. 6 में से 5 गए, कितने बचे? 1. तो अपना क्विटेंट हो गया 691 और रिमाइंडर हो गया 1. ओके, नेक्स्ट है 2019 डिवाइडेड बाय 9. 2019 डिवाइडेड बाय 9. ओके, अब 9 की टेबल में 20 नहीं आता है, 20 से छोटा क्या आता है? 18 आता है. तो 9 2 जा 18. ओके, 20 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा. 1 को हम नीचे लेके आएंगे, कितना हो जाएगा ये? 21. 21 नहीं आता 9 की टेबल में, अगेन 9 2 जा 18, क्योंकि 9 3 जा 27 हो जाएगा, वो तो 21 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 21 चाहिए या उससे छोटा चाहिए. तो 9 2 जा 18, अगेन 2 आ गया ऊपर. ओके, 21 में से 18 को माइनस करेंगे, कितने आएंगे? 3 बचेंगे. ओके, फिर 9 को नीचे लेके आएंगे, 9 के टेबल में 39 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आएगा? 9 4 जा 36. ओके, क्योंकि 9 5 जा होते तो 45 हो जाएगा, अपन को तो 39 से छोटा चाहिए, तो 9 4 जा 36. 39 में से 36 माइनस करेंगे, मतलब 9 में से 6 माइनस करोगे, कितने बचेंगे? 3. तो इसमें अपना क्विटेंट हो गया 2 2 4 एंड रिमाइंडर हो गया 3. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर व्हेन गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 10. आपको तब क्विटेंट और रिमाइंडर पता करने हैं इसमें, जब सारे नंबर किसे डिवाइडेड हो? 10 से. तो सबको ही आपको 10 से डिवाइड करना है. 93 डिवाइडेड बाय 10. 10 के टेबल में 93 नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है? 10 9 जा 90. 93 में से 90 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 3. ओके, और कोई डिजिट है नहीं, तो यही अपना रिमाइंडर हो जाएगा. क्विटेंट हो जाएगा 9, रिमाइंडर हो जाएगा 3. सेम 371 है, उसको करेंगे तो 37 नहीं आता 10 के टेबल में, तो उससे छोटा क्या आता है? 30 आता है. कितने बार में आएगा? 10 3 जा 30. ओके, 37 में से 30 को माइनस करेंगे, 7 में से 0 गए तो कितने बचेंगे? 7. 1 को नीचे लेके आएंगे. ओके, 10 के टेबल में 71 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 70 आता है. कितनी बार में आएगा? 10 7 जा 70. 71 में से 70 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे. तो क्विटेंट हो गया 37 और रिमाइंडर हो गया 1. ओके, इसी की तरह 996 है, 996 को करेंगे. 10 के टेबल में 99 नहीं आते, 90 आता है. 10 9 जा 90, कितने बच गए? 9 बच गए. 6 को अपन कहाँ लेके आ गए? नीचे. ओके, तो 96 हो गए. 10 के टेबल में 96 भी नहीं आते, तो इससे छोटा क्या आएगा? 9 जा 90. 10 9 जा 90, रिमाइंडर कितने बच गए? 6. और कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. क्विटेंट इज इक्वल टू 99 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 6. ओके,
अगेन लास्ट वन इज 900, 10 को किससे करना है 900 से, ओके 900 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 की टेबल में 90 आता है, कितनी बार में आएगा 9 बार में, 10 9 जा 90, कितना बचा 90 से 90 जाएंगे 0 बचेगा, ये 0 पर नीचे उतारेंगे, 10 के को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 0 जा 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो 0 में से 0 गए बच्चे 0, यहाँ भी 0 आ गया, रिमाइंडर अपना क्या बच गया 0, तो क्विटेंट हो गया 90 और रिमाइंडर हो गया 0। आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस वर्क इन योर ग्रुप, ओके डू दिस फ्रॉम देयर, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन डू द वर्क फ्रॉम दैट पिक, ओके।